ये कौन जालिम इंसान है जो इन बेजबान परिंदों को कैद करके खुद न जाने कहां गायब हो गया है। सब्र परिंदो सब्र, हम अभी तुम्हें आजाद किए देते हैं, और थोड़ा सब्र कर लो। सब्र परिंदो सब्र। अरे भाई रुक जाओ, ए भाई ए मुसाफिर रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या तमाशा है, ए भाई रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, ए मुसाफिर ये तुम क्या कर रहे हो भाई, ये क्या किया, कितनी मुश्किल से फंसाए थे मैंने परिंदे। हमसे इन बेजबान परिंदों की तकलीफ देखी नहीं गई। तो अपनी आंखें बंद कर ली होती, तुमने तो मेरे सारे दिन की मेहनत गलत कर दी। खुली हवाओं में उड़ने वाले परिंदों की आजादी छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं है सयाद, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अरे जुल्म नहीं, मेहरबानी कहो मुसाफिर, मेहरबानी। जानते हो लोग मुझसे परिंदे खरीद कर उन्हें सोने चांदी के पिंजरों में रखते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, अरे उनकी तो ऐसी ऐश होती है। इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? अशर्फियां। कितनी मिल जाती हैं? यही 8-10 तो मिल ही जाती हैं। ठीक है, ये लो। ये क्या है? खुद देख लो। ये तो अशर्फियां हैं। पूरी 1000 हैं। 1000 अशर्फियां? या खुदा, मैंने तो 1000 अशर्फिया कभी ख्वाब में भी नहीं देखी। मगर ये तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुमने मेरे परिंदे उड़ा दिए हैं? नहीं, ये इसलिए कि इनमें से 500 अशर्फिया तो तुम अपने घर वालों को दे दो, और बाकी की 500 अशर्फियों का एक सोने का खूबसूरत सा पिंजरा बना लो। सोने का पिंजरा? मगर क्यों? ताकि जो 500 अशर्फियां हमने तुम्हारे घर वालों को दी हैं, उसके बदले हम तुम्हें कैद कर सकें। क्या? मुझे पिंजरे में कैद? घबराओ मत, हम तुम्हें वहां अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाएंगे, और तो और हम तुमसे कोई मेहनत का काम भी नहीं करवाएंगे। बस महल के दरवाजे पे शान से तुम्हें लटका देंगे। क्या बकवास करते हो मुसाफिर? भला 500 अशर्फियों के बदले मैं क्यों कैदी बनूंगा? क्यों नहीं बनोगे, जब तुम चंद अशर्फियों के लिए बेजुबान परिंदों को कैद कर सकते हो तो खुद क्यों नहीं हो सकते? अरे वो परिंदे हैं परिंदे, और मैं इंसान हूँ इंसान। तो क्या इंसानों की तरह परिंदों की अपनी आरजुएं नहीं होती? क्या खुली हवाओं में उड़ने के लिए उनका दिल नहीं मचलता होगा? जरा सोचो, जब पिंजरे में कैद होने के तसव्वुर से तुम तकाप उठे हो तो इनके दिल पे क्या गुजरती होगी जिनकी आजादी को तुमने गुलामी में बदल दिया है। अगर मैं ऐसा ना करूं मुसाफिर तो अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? तो क्या अपने बच्चों का पेट पालने का यही एक तरीका है? दुनिया में और भी तो ऐसे काम हैं जो किसी का दिल दुखाए बगैर भी किए जा सकते हैं। याद रखो, जुल्म करने वाले से खुदा कभी खुश नहीं होता। जिन बच्चों का पेट पालने के लिए तुम ये जुल्म करते हो, क्या वो तुम्हारे इस गुनाह के जिम्मेदार होंगे? क्या हश्र के दिन वो खुदा से कहेंगे कि जो गुनाह उनके बाप ने किया है उसकी सजा उसे नहीं हमें दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया है वो हमारे लिए किया है? नहीं सयाद, नहीं। हर किसी को अपने गुनाह का हिसाब खुद देना पड़ेगा। फिर तुम्हारी औलाद भी यही कहेगी कि हमें क्या मालूम कि हमारा बाप हमें कैसा खिलाता था, वो हराम का खिलाता था या हलाल का, वो तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करता था। उस वक्त तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा, उस दिन तुम बहुत पछताओगे, मगर अफसोस बहुत देर हो चुकी होगी। तो फिर तौबा करो इस जालिमाना काम से कि खुदा बेहद रहम करने वाला है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुसाफिर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने आज तक बहुत जुल्म किए हैं,
लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा खुदा मुझे माफ करे, मैं आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखूंगा। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूँ? हमारा नाम हातिम बिन ताई है। हातिम बिन ताई यानी कि शहजादा यमन? हाँ, और हम शहजादी हुस्नबानो के पहले सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। ये तो मैंने आज ही सुना है। क्या, कहाँ? वो तोता जो आपने अभी उड़ाया है वो यही बोल रहा था। या खुदा, एक रास्ता मिला था, वो भी ओझल हो गया। या खुदा, न जाने ये तोता कहाँ खो गया। या खुदा, मुझे अपनी मंजिल मिल गई। ठहरो। हाँ, कहाँ जा रहे हो? उस तोते के पीछे। तोता तो उड़ गया, अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। हाँ, मगर इस जंगल में आप क्या कर रही हैं? मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ। इस खतरनाक जंगल में? तुम्हारे लिए खतरनाक जंगल हो सकता है, मगर हमारे लिए इससे महफूज पनागा कोई नहीं। वो उस तरफ हमारा मकान है। इस अंधेरी और खौफनाक रात में सफर करना ठीक नहीं मुसाफिर। चाहो तो रात हमारे मकान में ठहर सकते हो। नहीं, हम आपको जहमत देना नहीं चाहते। इसमें जहमत की क्या बात है, मेहमानों के साथ तो खुदा की बरकत आती है। आओ मेरे साथ। क्या सोच रहे हो नौजवान? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर खड़े क्यों हो? आओ मेरे पीछे। क्यों हो? अंदर आ जाओ। रात काफी हो चुकी है, सफर की थकान भी होगी, बेफिक्र होके आ जाओ। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ भी और नहीं भी। हम समझे नहीं। सब समझ जाओगे। भूख भी लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेके आती हूँ। आप नहीं खाएंगी? नहीं, खाना हमारी जरूरत नहीं। क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता। हाँ,
ये कैसी तपिश है, ये कैसी जलन है। पानी 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 पानी, ये खुदा पानी 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 पानी, ये लो पानी, ये लो पानी, ये लो पानी। खामोश, ये क्या बदतमीजी है, मेहमान के साथ क्यों मजाक कर रही हो। ये लो पानी पी लो। घबराओ नहीं, ये गायब नहीं होगा। या खुदा, अब कुछ राहत मिली। ये कौन सा पानी था? ये पानी नहीं था, ये शरबते मर्ग था। शरबते मर्ग? हाँ, मौत का शरबत। हाँ हाँ, मौत का शरबत, मौत का शरबत। या खुदा, ये कैसी जलन है, ये मुझे क्या हो रहा है। अब तुम मर जाओगे, अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम वही बनोगे जो हम लोग हैं। हाँ, वही बनोगे जो हम लोग हैं। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।